सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे कुछ मित्र हैं महाराष्ट्र में, बहुत मित्र बने, उसमें से कुछ मित्र कहते हैं कि आखिर ये बिहार के लोगों को छठ पूजा का इतना बेचैनी क्यों रहता है, छठ का इतना महत्व क्यों रहता है। आप लेडीज को दे चांस, यही मतलब तो लोग कहते हैं कि जब बिहार जाने का टिकट कंफर्म नहीं होता है तो टॉयलेट के पास भी बैठ करके लोग छठ, बिहार में छठ एक त्योहार नहीं है, आजकल सुनते हैं एक इमोशन है, एक जुनून है। तो मित्र मंडली जो साउथ इंडिया से हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं, कुछ गुजरात से हैं, कुछ दूसरे स्टेट से हैं, वो पूछते हैं कि आखिर इतना छठ का महत्व क्यों है। तो छठ जरूरी है, हम कहते हैं बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो जरूरी है उस माँ के लिए जो साल भर अपने बच्चे का इंतजार करती है कि भाई दिल्ली बंबई गुजरात में रहता है लेकिन छठ में तो घर जरूर आएगा। तो छठ उस माँ के लिए जरूरी है, छठ उस बेटे के लिए भी जरूरी है जिसको पता नहीं है कि गांव कैसा होता है, गांव का आंगन कैसा होता है, गांव का स्वरूप कैसा होता है, संयुक्त परिवार कैसा होता है। छठ उस आलसी व्यक्ति के लिए भी जरूरी है जो अपने घर का कचरा दिवाली में बाहर फेंकता है, तो उसको मालूम होना चाहिए कि जितना तुम्हारा घर इंपॉर्टेंट है उतना ही समाज का पोखरा, नदी, गली, मोहल्ला भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए छठ जो है एक समाज में संदेश देता है, वो साल भर माँ इंतजार करती है कि अब छठ में मेरा बेटा आएगा। तो छठ केवल त्योहार नहीं है, ये बात को हमें समझना चाहिए। हम कहते हैं कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी अगर सन है, पूरी दुनिया उगते सूरज को प्रणाम करती है, लेकिन ये छठ है जो डूबते सूरज को भी प्रणाम करता है। पूरे इतिहास में लोग कहते हैं जिसका उदय हुआ है उसका अस्त भी होगा, जिसका उदय हुआ है उसका अस्त भी होगा, लेकिन छठ हमें सिखाता है कि जो अस्त हुआ है उसका उदय भी होगा, जिसका अस्त हुआ है उसका उदय भी होगा। अर्थात अगर किसी ने अपने जीवन में कुछ परिस्थिति बस वो निराश हो गया है तो उसका उदय निश्चित है। इसलिए छठ हमें यह सिखाता है, छठ हमें भाईचारा सिखाता है, छठ हमें भाईचारा सिखाता है। यह बिहार का त्योहार नहीं है, यह संपूर्ण भारत का त्योहार है, और इसलिए छठ जो है जरूरी ही नहीं बेहद जरूरी है। छठ में जो सूप बनाता है वो कौन होता है, जो फल बेचता है वो कौन होता है, जो सामान बेचता है वो कौन होता है, जब जोड़ेंगे तो छठ ऊंच नीच को त्याग करके संपूर्ण समाज को एक सूत्र में बांधने का काम है, वो है छठ पूजा। लोग कहते हैं बिहार के समाज के बारे में, बिहार का समाज जो है वो चीनी की तरह है, जब दूध में मिल जाता है तो दूध की मिठास को बढ़ा देता है, और जब पानी में मिलता है तो उसको शरबत बना देता है, और पूरा संपूर्ण जहां वो रहता है उसके साथ जुड़ करके घुल मिल जाता है और उसकी मिठास को बढ़ाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये बिहार से, तो मैं ज्यादा लंबा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन छठ के बारे में दो पंक्तियां आज ही मैंने सुनी है, वो आपके सामने पढ़ के बताता हूं। तो ढलना होगा, कमजोरी की निशानी पूरे दुनिया के लिए है, पर हम तो वो हैं जिन्हें ढलते सूरज को उगते सूरज के पहले पूजना है, वो हम बिहारी हैं। यह छठ क्या है हमारे लिए, ये कैसे समझाया जा सकता है? माँ का प्यार और मिट्टी की पुकार दो शब्दों में नहीं बताया जा सकता।
ये छठ हमें कुछ इस तरह कदर भाता है कि अगर आपको कोई छठ कहे तो हमें छुट्टी ही नजर आता है। अपने जन्मदिन से ज्यादा हमें छठ का दिन का इंतजार रहता है, क्योंकि हमें इसमें चार दिन का त्योहार नहीं, अपना परिवार और अपना समाज नजर आता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि दुनिया कहती है जिसका उदय होता है उसका अस्त होना तय है, लेकिन सिर्फ छठ पूजा बताता है कि जिसका अस्त हुआ है उसका उदय होना निश्चित है। लोक आस्था, पवित्रता और सूर्य की उपासना के महापर्व को छठ पूजा की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।